अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर, लेट्स स्टार्ट अवर न्यू एसे। द मैन वाज अ हॉस्पिटल बाय जेरोम के जेरोम। जेरोम के जेरोम इज़ अ ह्यूमरस राइटर। ही राइट्स ह्यूमरस एसेज, सो दिस एसे इज आल्सो ह्यूमरस वन इन विच ही विजिट्स अ पब्लिक लाइब्रेरी एंड देयर ही फाइंड्स दैट ही हैज़ ऑलमोस्ट ऑल द डिजीजेस व्हेन ही रीड्स अ बुक। Now let's read the essay. He says it was my liver that was out of order. ये मेरा जिगर था जो मेरा ख़राब था। I knew that it was my liver that was out of order. और मैं जानता था कि मेरा जिगर ही था that was not working properly, सही काम नहीं कर रहा था। Because I had just been reading patent liver pill circular. क्योंकि मुझे ऐसे पता चला कि अभी मैं एक टैबलेट के बारे में पढ़ रहा था के और उसमें जो सर्कुलर रखा हुआ था, छोटा सा लीफलेट जो रखा होता है जिसमें उसकी सारी सिम्टम्स होती हैं कि कब आपका जिबर ख़राब हो। इन विच वी डिटेल द वेरियस सिम्टम्स बाय विच अ मैन टू टेल व्हेन हिज लिवर वाज आउट ऑफ ऑर्डर, आई हैड देम ऑल। जिसको देख करके कोई भी आदमी बता सकता था कि उसका जिगर कब ख़राब होता। मेरे अंदर वो सारी की सारी सिम्टम्स अलामत मौजूद थीं, सो मेरा जिगर ख़राब था। इट इज़ अ मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डनरी थिंग, एक बहुत ही अजीबोगरीब बात थी। बट आई नेवर रीड अ पेटेंट मेडिसिन एडवर्टाइजमेंट विदाउट बींग इम्पेल्ड टू द कंक्लूजन। लेकिन जब कभी भी मैं किसी भी मेडिसिन की वो सर्कुलर पढ़ता हूँ, एडवर्टाइजमेंट लीफलेट, वेन एवर आई रीड इट एंड आई एम फोर्स टू कंक्लूड, फिर मैं मजबूर हो जाता हूँ ये फैसला करने के लिए, टू डिसाइड दैट आई एम सफरिंग फ्राम द पर्टिकुलर डिजीज़, कि भाई ये बीमारी तो मुझे है। देर इन डेल्ट विद इन इट्स मोस्ट वर्यूलेंट फॉर्म, पर ना सिर्फ है बल्कि एट इट्स लेटेस्ट स्टेज, अपनी आखिरी स्टेज पर है। द डायग्नोसिस सीम्स इन एवरी केस टू करस्पॉन्ड एग्जैक्टली विद ऑल द सेंसेशन दैट आई हैव एवर फेल्ट। और जब मेरा इलाज किया जाता है तो वो भी बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे मेरी सारी फीलिंग्स होती हैं जो कि आज तक मैंने महसूस की थी, उसी के अकॉर्डिंग होता है। आई रिमेंबर गोइंग टू द ब्रिटिश म्यूजियम वन डे, मुझे याद है कि एक दिन मैं ब्रिटिश म्यूजियम चला गया अजायब घर में टू रीड अप द ट्रीटमेंट फॉर सम स्लाइट एलमेंट। कोई छोटी सी बीमारी थी मुझे, सम स्लाइट डिजीज ऑफ विच आई हैड अ टच हे फीवर आई फैंसी इट वॉज, मेरा ख्याल है कि आई वॉज सफरिंग फ्राम हे फीवर। आई गॉट डाउन द बुक, मैंने वो किताब पकड़ ली एंड रेड आई केम टू रीड, और मैंने पढ़ा जितना कि मैंने पढ़ना था। एंड देन इन एन अनथिंकिंग मोमेंट, उसके बाद फिर बगैर कुछ समझते हुए आई आइडली टर्न द लीव्स, मैंने किताब के पेजेस को मोड़ना शुरू किया एंड बिगेन टू इंडोलेंटली स्टडी डिजीजेज जनरली, और लेजीली मैंने डिजीजेज को स्टडी करना स्टार्ट किया। आई फॉरगेट विच वॉज द फर्स्ट डिस्टेंपर आई प्लंस्ड इनटू, मैं भूल गया कि विच वॉज द फर्स्ट डिजीज़ आई रेड अबाउट, पहली बीमारी कौन सी थी जिसमें मैंने छलांग लगाई, जिसके बारे में मीनिंग टू से मैंने पढ़ा। सम फियरफुल डिवास्टेटिंग कवरेज, कोई बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली, तबाह करने वाली, आई नो। एंड बिफोर आई हैड ग्लांस्ड हाफ डाउन द लिस्ट ऑफ प्री मॉनिटरी सिम्टम्स, अभी तो मैंने इब्तदाई अलामात अभी आधी ही नहीं पढ़ी थी। इट वॉज बॉर्न इन अपॉन मी, मुझे ये पता चल गया दैट आई हैड फेयरली गॉट इट। ओहो, मुझे तो ये बीमारी है, हे फीवर। आई सैट फॉर अ वाइल, मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गया फ्रोजन विद हॉरर, खौफ के साथ डरा हुआ। एंड देन इन द लिस्टलेस ऑफ डिस्पेयर, फिर मायूसी की सुस्ती में आई अगेन टर्न ओवर द पेजेस, मैंने दोबारा कागज़ों को मोड़ा। आई केम टू टाइफाइड फीवर, मैं टाइफाइड फीवर पर आ गया। रेड द सिम्टम्स, अलामात को पढ़ा, डिस्कवर दैट आई है टाइफाइड फीवर, मुझे पता चला कि ओहो मुझे तो टाइफाइड फीवर भी है। मस्ट हैव हैड इट फॉर मंथ्स विदाउट नोइंग इट, और काफ़ी महीनों से होगा और मुझे पता भी नहीं चला। वंडर्ड व्हाट एल्स आई हैड गॉट, फिर मैं हैरान हुआ और क्या क्या बीमारियाँ मुझे लगी हुई हैं। टर्नड अप सेंट वाइटिस डांस, फिर मैं सेंट वाइटिस डांस की जानिब चला। फाउंड एज आई एक्सपेक्टेड दैट आई हैड टू, जैसे कि मुझे तवक्को थी मुझे ये बीमारी भी थी। बिगैन टू गेट इंटरेस्टेड इन माई केस, फिर मैंने अपने केस में दिलचस्पी लेनी शुरू की। एंड डिटरमाइंड टू शिफ्ट इट टू द बॉटम, फिर मैंने फैसला किया कि मैं किताब को शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ूंगा, इसको छान लूँगा। एंड सो स्टार्टेड अल्फाबेटिकली, इसको ABC वाइज किताब को पढ़ना शुरू किया। रेड अप अगेन, दोबारा पढ़ा एंड लर्न दैट आई वॉज सिकनिंग फॉर इट, और मुझे पता चला मुझे इसकी कितनी अशद ज़रूरत थी। एंड दैट द क्यूर स्टेज वुड कमेंस इन अबाउट अनदर फोर्टनाइट,
और तकरीबन 15 दिनों में मेरी आखिरी स्टेज शुरू होने ही वाली थी। ब्राइट्स डिजीज़, आई वॉज रिलीव टू फाइंड आई हैड ओनली इन अ मॉडिफाइड फॉर्म। और ब्राइट की बीमारी जो थी अभी वो सिर्फ अपनी इब्तदाई हालत में थी। एंड सो फार एज दैट वॉज कंसर्नड, और जहाँ तक अभी उसका ताल्लुक था, आई माइट लिव फॉर ईयर्स, में कई सालों तक जिंदा रह सकता था। कॉलरा आई हैड विद सीवियर कॉम्प्लिकेशंस, और मुझे हैज़ा हो चुका था बहुत ज़्यादा उसकी अलामत के साथ। एंड डिप्थेरिया सीम टू हैव बीन बॉर्न विद, और खुनाक के साथ तो लगता है मैं पैदा हुआ था। आई प्लॉटेड कॉन्शियसली थ्रू द 26 लेटर्स इंग्लिश के, जो ए से लेकर जी तक 26 लेटर्स हैं, मैंने जानबूझकर उन सारों की डिजीज़ देखी। एंड द ओनली मेलेडी आई कुड कंक्लूड, और एक ही बीमारी जो थी जो मैं फैसला कर सका, आई हैड नॉट गॉट, जो मेरे में नहीं थी, इट वॉज हाउस मेड्स नी थी। आई फेल्ट रादर हर्ट अबाउट इट एट फर्स्ट, पहले पहल तो मुझे इसके बारे में लगा कि नहीं ऐसा क्यों है। इट सीम्स सम हाउ टू बी सॉर्ट ऑफ स्लाइट, ऐसे लगा मेरी इंसल्ट हो गई है। वाई हैड नॉट आई गॉट हाउस मेड्स नी, मुझे ये जॉइंट्स की डिजीज़ क्यों नहीं है, मेरे जोड़ क्यों नहीं दिखते। वाई दिस इनविडियस रिजर्वेशन, मेरे से ये बीमारी दूर क्यों रखी गई। आफ्टर अ वाइल हाउएवर, कुछ देर के बाद था हम लेस ग्रास्पिंग फीलिंग प्रिवेल्ड, तो मैंने अपने आप को इतना ज़्यादा, मैंने कहा नहीं इतना सेंसिटिव होने की ज़रूरत नहीं है। आई रिफ्लेक्टेड आई थॉट दैट आई हैड एवरी अदर नोन मेलेडी इन द फार्माकोलॉजी बुक ऑफ डिजीज़ में, जितनी ज़्यादा डिजीज़ हैं सबकी सब सारी मुझ में हैं। एंड आई ग्रू लेस सेल्फिश, तो मैं इतना ज़्यादा खुदगर्ज ना बना। एंड डिटर्मिन टू डू विदाउट इट, और इसके बगैर ही मैंने करने का फैसला कर लिया, विदाउट द हाउस मेड्स ली। गाउट इन इट्स मोस्ट मिलिग्नेंट स्टेज, और गाउट जिसको गंठिया कहते हैं वो अपनी आखिरी स्टेज पर था। इट वुड अपीयर एट सीज मी विदाउट माई बींग अवेयर ऑफ इट, और मुझे पता भी नहीं चला था किसने कब मेरे ऊपर कब्जा कर लिया। ज़ाइमोसिस आई हैड एविडेंटली बीन सफरिंग विद फ्रॉम बॉयहुड, और ज़ाइमोसिस तो जब से मैं बच्चा था, लड़का था, तब से मुझे लगता है कि वो मुझे थी। देर वर नो मोर डिजीज आफ्टर ज़ाइमोसिस, क्योंकि लेटर जी आ गया है तो इसके बाद अब कोई डिजीज नहीं थी, बुक ख़त्म हो गई है। सो आई कंक्लूडेड, इसलिए मैंने फैसला किया, देर वॉज नथिंग एल्स द मैटर विद मी, कि अब मेरे साथ और भी कोई मसला ना था। चलें हाफ चैप्टर कर लेते हैं सेकंड ईयर, अपने ईडियम्स, अपने फ्रेजल वर्ब जो है वो साथ साथ रखें। और आपके लिए एक इंग्लिश स्पीकर ऐसे है, माय लास्ट डे एट कॉलेज, ये आपका थर्ड ऐसे है, आप 2 एसेस वाले कर चुके हैं। पेट्रियोटिज्म, माय फर्स्ट डे एट कॉलेज, दिस इज़ माय लास्ट डे एट कॉलेज। थैंक यू।